क्या जर्मनी में जॉब मिलना आसान है? एंड क्या इंडिया में रह के आपको जर्मनी में जॉब मिल सकती है? और जर्मन लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है? क्या जर्मन लैंग्वेज के बिना भी आपको जॉब मिल सकती है जर्मनी में? ये सारे सवाल आपको भी आते होंगे, राइट? तो इस वीडियो में आपको उन सारे सवालों के आंसर्स भी मिलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारा एक्सपीरियंस, मेरा नहीं बट किसी और का, जिनको इंडिया से डायरेक्टली जॉब मिल गई है जर्मनी में एंड वो यहाँ पे मूव भी हो गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह वी हैव अभिषेक सिंह, जिनको इंडिया में ही रह के उन्होंने जॉब अप्लाई करी जर्मनी में और उनको जर्मनी में जॉब मिली। तो आज हम उनसे सारी प्रोसेस पूछने वाली है कि कैसे पूरा एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या उनको यू नो एक्सपीरियंसेस आए हैं इस पूरे प्रोसेस में और कैसे जॉब मिली। एंड इनका प्रोफाइल भी बहुत ही डिफरेंट है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा कि ये एकदम रिलेटेड प्रोफाइल है आपसे, तो शायद से आपको भी हेल्प हो जाएगी। तो ओवरऑल पूरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये भी हम इनसे जान सकेंगे। बट सबसे पहले तो मैं इनको एक्चुअली सेकेंड टाइम मिल रही हूँ। हमारी मुलाकात भी एक बहुत ही एकदम अनएक्सपेक्टेड, एकदम सरप्राइजिंग थी मेरे लिए, बिकॉज मे बी यू वुड लाइक टू शेयर। सबसे पहले तो अभिषेक सिंह वेलकम, हाय। तो बताओ कि सबको कि हम लोग कैसे मिले। थैंक यू कोमल। सो मेरा दूसरा हफ्ता था व्हेन आई वाज इन फ्रैंकफर्ट हाउसबाहनहॉफ एंड मैं ट्रेन का वेट कर रहा था एंड देन आई सडनली सॉ हर एंड सी वाज मास्क्ड एंड मैंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने कहा आर यू कोमल, आई हैव सीन योर वीडियोस एंड सी वाज लाइक ओके या। सो देन फिर हम वहाँ मिले एंड देन वी गॉट टू नो ईच अदर। तो ऐसा एक इंटरेक्शन रहा हमारा एंड उसके बाद ही टोल्ड मी कि कैसे उन्होंने वीडियोस देखी एंड कैसे उनका पूरा प्रोसेस रहा। तो आई थॉट कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो अभिषेक बताओ कहाँ से हो, कौन सी पढ़ाई करी है, ताकि लोगों को भी पता लगे कि ऐसी कौन सी पढ़ाई करने से अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। सो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। आई एम फ्रॉम यूपी। मैंने अपनी स्कूलिंग सब यूपी से ही करी थी एंड देन फॉर बैचलर्स के लिए मैं दिल्ली मूव हुआ, जहाँ पे मैंने अपनी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स फिनिश करी एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग सीए एंड सीए के साथ साथ मैंने अपनी आर्टिकलशिप भी परस्यू करी। सो वो मैंने दिल्ली से ही करी थी। फिर मैंने जॉब के लिए पुणे मूव किया। आई वर्क देयर फॉर अ बैंक फॉर 1.5 ईयर्स एंड देन फिर वापस से कोविड हैपन हुआ, देन आई बैक टू दिल्ली एंड फिर एक साल मैंने वहाँ पे काम किया इन डेलॉयट। क्योंकि मैं सीए बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने सारा कुछ मेरा फाइनेंस से रिलेटेड ही है। टॉकिंग अबाउट माय प्रोफाइल, इंडिया में मुझे 4.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने कंसल्टिंग में भी काम किया है, करीब 3 साल 1.5 साल मैंने बैंक में काम किया है। सो द इंटायर एक्सपीरियंस रिवॉल्व्स अराउंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग, राइट फ्रॉम इंडियन टू यूएसए। तो ऐसे तुम्हारी प्रोफाइल रही जब तुम इंडिया में काम कर रहे थे। यस। ओके। तो अभिषेक मुझे तो ये जानना है कि क्या मोटिवेशन क्या था, कैसे सोचा कि जर्मनी जाना है? सो ये बात है दिसंबर की। सो मेरी डेलॉयट की जॉब अच्छी चल रही थी एंड दिसंबर में मौसम अच्छा था एंड मेरे बहुत सारे दोस्त यूरोप घूम के आ रहे थे, क्रिसमस का वो टाइम था एंड फिर मुझे देख के अच्छा लगा कि ओके बहुत सारे लोग जॉब के लिए भी जा रहे हैं और छुट्टियों के भी ले जा रहे हैं यूरोप। वैसे से ही हमने मूवीज़ में देखा हुआ है, इतना सुंदर है। तो हमने सोचा कि ओके मैं भी कुछ सोचता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस और देखना शुरू किया मैंने यूट्यूब पे कि ओके क्या कुछ तरीका है कि जॉब के लिए भी हम जा सकते हैं क्या डायरेक्टली, या फिर स्टडी ही करना पड़ेगा टू गो देयर। सो देन आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोज़। सो Actually, I was scrolling a lot of videos about the Germany work culture, lifestyle and all. So, आपकी मुझे videos की feed आई, then I started okay, जानने की कोशिश करी कि okay, क्या हो भी सकता है कि job मिल भी सकती है वहाँ पे। तो फिर मैंने कहा okay, let's give it a try. And then I started looking for the job opportunities, मेरी profile से क्या relevant है और मेरी skills कितनी use हो सकती हैं वहाँ पे। फिर मैंने job profile अपनी start करी hunt करना। Great, मतलब honestly ये भी इसने exactly मेरे को वही बताया जब हम पहली बार मिले and when he saw me, उसने वही बोला कि अरे आपकी वीडियोस मैंने देखी थी एंड आप मुझे पहले हफ्ते में यहाँ पे मिल गए, इट्स सो सरप्राइजिंग। तो इस तरीके से हमारी बात हुई थी, तो ये बड़ा अच्छा लगा जान के कि वो वीडियोस हेल्प हुई। बट मेरा एक सवाल है कि व्हाई नॉट यूएस, यूके या एनी अदर कंट्री, बट व्हाई जर्मनी? सो एज यू नो यूएस यूके का वीज़ा का बहुत इशू होता है, सो वी नेवर नो कि एट वॉट टाइम विल हमारा वीज़ा कितने टाइम आएगा। और मेरे तो कुछ फ्रेंड्स हैं जो मास्टर्स करने के लिए भी जा रहे थे, उनको 2-2.5 साल लग गए टू गेट द राइट वीज़ा एंड यूके में भी सिमिलर वीजा सिचुएशन थी और थोड़ा उनकी इकॉनमी में भी देर वॉज सम इशू गोइंग ऑन। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि अब यूएसए नॉर्थ अमेरिका तो नहीं ही जाना है, तो फिर यूरोप इज़ द ओनली कंट्री। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कि कौन सी कंट्री में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आई कैन गेट।
जर्मनी नीदरलैंड्स वर द टू कंट्रीज. अच्छा मतलब इनको क्लियर था कि जर्मनी या नीदरलैंड्स वहां पे करना है और यूरोप जाना है क्योंकि यूरोप में घूमने की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं. एंड जर्मनी आने का एक और रीजन ये भी था कि इट इज इन सेंट्रल ऑफ द यूरोप, सो बिल्कुल हार्ट ही बोलते हैं उसको, तो यहाँ से घूमना बहुत ईजी है. तो ट्रैवल पसंद है ना, ऑफ कोर्स ट्रैवल के लिए वन ऑफ द मोटिवेशन वाज कि ओके घूमने को बहुत मिलेगा. सो एंड मोर अदर थिंग फ्रॉम यूएस यूके को छोड़ने का रीजन ये था यूरोप के लिए यहाँ पे छुट्टियाँ बहुत मिलती हैं काम के साथ साथ. यूएसए में 2 वीक्स का वैकेशन होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो दे आर ऑलवेज स्टक विद वर्क एंड कि छुट्टियों के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है. यहाँ पे यूरोप में एक सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आपको 4 हफ्ते की पेड वैकेशन मिलती है, यू कैन एन्जॉय योर लाइफ द वे यू वॉन्ट. अच्छा लगता है यहाँ पे, तो इट वॉज ऑल्सो गुड मोटिवेशन फॉर मी. ग्रेट ग्रेट. अभिषेक मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब कैसे अप्लाई किया, कहाँ पे अप्लाई किया, व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. सो जब मैंने अपना मन बना लिया कि मुझे अब जॉब बाहर निकलना ही है इंडिया से, तो फिर मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करी विद माय राइट स्किल्स व्हाट एवर आई हैड, पूरी प्रोफाइल अपडेट करी, फिर मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया. सो मैं आपकी वीडियोस देखी थी, सो उसमें आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का नाम बताया था, जैसे जर्मनी में जिनका लोकल लिंक्डइन है जिंग, वो उस पर भी मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, फिर स्टेपस्टोन इंडीड इनमें भी अपनी जॉब प्रोफाइल क्रिएट करी मैंने, बट जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था वो लिंक्डइन और जिंग ही था. सो यहाँ पे मुझे अपनी रोल से मैचिंग प्रोफाइल से मैचिंग जॉब प्रोफाइल्स मिली मुझे, और फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया. और उस टाइम पे मैंने कम से कम 20-30 कंपनियों में अप्लाई किया होगा, एंड 4-5 कंपनी से मुझे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया उन्होंने, कॉल आई, तो फिर दे स्केड्यूल्ड माय इंटरव्यूज़. सो जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब्स आ रही थी जो मेरे प्रोफाइल से एग्जैक्टली मैच कर रही थी, तो मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी मैंने जो एग्जैक्टली मेरे प्रोफाइल से मैच कर रही थी. वहाँ पे रिक्रूटर्स की नाम डिटेल्स एंड उनका ईमेल एड्रेस वगैरह होता है. सो मैंने अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टली अप्लाइंग टू द कंपनी पोर्टल्स, मैंने रिक्रूटर को भी लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, उनको मैसेज किया एंड कोल्ड ईमेल भेजी उनके ईमेल एड्रेस पे, एंड लकीली आई गॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम देम. दे कंसिडर माई प्रोफाइल एंड दे पिंग मी बैक, ओके हम आपके प्रोफाइल कंसिडर करेंगे एंड कंसिडर करते हैं, और दे विल गिव मी फीडबैक वंस दे हैव अ लुक ऑन माई प्रोफाइल. ओके. और अभी जिस कंपनी में तुम काम करते हो जिसकी वजह से तुम जर्मनी आए हो, वो वही प्रोफाइल थी जिसके लिए तुम्हें रिक्रूटर ने कोल्ड ईमेल को रिप्लाई किया था? Yes. तो ये ऐसे करने से भी देखो रिप्लाई आ जाता है, एंड देन ही got a chance to give that interview and that is the job jiski wajah se wo yahan pe hai. So very good point that you have shared ki aise approach karo, possible hai ye sare options bhi. Simple sa jo process maine exactly follow kiya tha, LinkedIn पे जाओ, जॉब ढूंढो जो एग्जैक्टली मिले, एंड देन लुक फॉर द रिक्रूटर, उनको LinkedIn पे कनेक्ट करो, ट्राई टू अप्रोच देम, एंड अगर उनके ईमेल एड्रेस मिल जाए आपको, ड्रॉप देम ईमेल एंड पिंग देम, एंड होपफुली 10 में से 8 लोग इग्नोर करेंगे, 9 लोग इग्नोर करेंगे, देयर विल बी वन, एंड वी नीड ओनली वन पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम आवर साइड, एंड दैट्स इट. दैट वाज अ वेरी गुड अप्रोच. और ये ऐसे माइंडसेट होना भी, मतलब करते रहो, कब तक नहीं मिलेगा, कोई ना कोई रिप्लाई करेगा. और जिस रिक्रूटर ने तुम्हें रीच आउट किया उसके बाद वो जो पूरा प्रोसेस था अंटिल यू गॉट द ऑफर लेटर, वो कितने टाइम में सारा प्रोसेस हुआ एंड वो क्या क्या प्रोसेस था? सो जब मैंने रिक्रूटर को मैसेज डाला लिंक्डइन पे, तो उनका रिवर्ट आया, आई थिंक 1-2 दिन के बाद उनका रिवर्ट आ गया था लिंक्डइन पे, सो कि मैं आपकी प्रोफाइल देख के आई लेट यू नो कि व्हाट इज़ द स्टेटस. फिर इसके बाद उन्होंने मुझे आई थिंक आफ्टर 1 वीक सी सेंड मी एन इनवाइट फॉर द इंटरव्यू, एंड फर्स्ट वन वॉज अ वेरी बेसिक इंटरव्यू, लाइक कौन हो, कहाँ से हो, क्या जर्मनी क्यों आना है, द बेसिक क्वेश्चंस. एंड देन देर वॉज अ टेक्निकल राउंड विद द पार्टनर एंड डायरेक्टर, 2-3 राउंड टेक्निकल इंटरव्यू के हुए थे, एंड ये पूरा प्रोसेस होने में आई थिंक 2-4 वीक्स लगे थे, राइट फ्रॉम रीचिंग आउट टू द रिक्रूटर टू द गेटिंग द ऑफर लेटर. ओके ओके. और इंटरव्यू कितना डिफरेंट था, मतलब कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस? तुमने इंडिया में भी काम किया है, इंटरव्यू दिया है, मनी में जब तुम्हारा इंटरव्यू था वो क्या तुम्हें डिफरेंट लगा? सो जो इंटरव्यू का प्रोसेस है जो जर्मनी में था और जो इंडिया में था वो बहुत डिफरेंट था. इंडिया में प्रोसेस थोड़ा बहुत ग्रैनुलर लेवल पे जाके डिटेल्स पूछते हैं, यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मैंने 4-5 इंटरव्यू दिए थे डिफरेंट कंपनीज में, मोस्टली यहाँ पे बिहेवियरल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे थे वो, एज अ पर्सन हाउ यू आर, हाउ यू कैन हैंडल प्रेशर, हाउ यू कैन हैंडल द स्ट्रेस सिचुएशन इफ़ एनी कम्स, और ज़्यादा पर्सनैलिटी के अराउंड ही क्वेश्चन थे, एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे.
टेक्निकल क्वेश्चंस में दो चार क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे कि ओके टेक्निकली आर यू साउंड इनफ एंड सिंस आई हैड अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 4.5 ईयर्स सो टेक्निकली उन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे थे. बेसिकली लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप टीम में कैसे काम करते हो, टीम में डिसएग्रीमेंट्स होता है तो आप कैसे हैंडल करते हो, इस तरीके के बिहेवियरल क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे और लकीली आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ देम. दैट्स व्हाई आई एम हियर. तो एग्जैक्टली ओके एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जर्मनी कोई भी आ रहा है तो उनको होता है कि जर्मन लैंग्वेज क्या था तुम्हारे लिए, क्या एक्सपीरियंस था जर्मन लैंग्वेज के बारे में, कुछ पूछा था उन्होंने या व्हाट वाज इट? सो मेरा इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में था. सो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ इज योर जर्मन प्रोफिशिएंसी. सो मैंने उनको बोला मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है, राइट नाउ आई एम वॉचिंग सम यूट्यूब वीडियोज टू बेग्रुसोगन एंड ऑल, बस इसके बाद इसके उसके ज़्यादा उन्होंने और पूछा नहीं मुझसे. फिर उन्होंने मुझसे पूछा विलिंगनेस कि आप आगे चल के जर्मनी में लैंग्वेज सीखोगे, तो मैंने बोला यस, क्योंकि मेरा प्लान लॉन्ग टर्म का था रहने का यहाँ पे, तो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे. ऑल द मेरे जॉब प्रोफाइल के लिए लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज आई डील विद इंग्लिश लैंग्वेज एनवायरनमेंट में, लेकिन डे टू डे लाइफ में लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है. और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि अगर आप दूसरी कंट्री में आ रहे हो और लैंग्वेज जहाँ की में इतनी डोमिनेंट चीज़ है और जो उतना मतलब नॉन नेगोशिएबल चीज़ है, तो ऑल दो आपकी जॉब प्रोफाइल भले ना रिक्वायर कर रही हो लेकिन आपको लैंग्वेज सीखना अच्छा है. अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपकी डे टू डे लाइफ ईजी होती है, आप लोगों से जेल कर पाते हो ईजिली, सुपर मार्केट में हर जगह आपको ट्रेन के अनाउंसमेंट में हर जगह हेल्प मिलती है विद द लैंग्वेज. और जॉब ऑफर लेटर आ गया उसके बाद क्या एक्सपीरियंस था, मतलब उसके बाद वीज़ा और बाकी जो सर्विसेज है रिलोकेशन सपोर्ट एंड ऑल, उसके लिए कंपनी ने तुम्हें सपोर्ट किया या हाउ दैट वेंट? सो मैं जब उन्होंने मुझे ऑफर किया सैलरी एंड ऑल के लिए, तो मैंने उनको पूछा था कि रिलोकेशन के लिए आप मेरी कैसे हेल्प करोगे, बिकॉज कंट्री मेरे लिए बिल्कुल नई थी, आई डोंट नो एनी न्यू कोई पीपल शहर में. सो मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी विल हेल्प यू विद द रिलोकेशन थिंग. सो उन्होंने मुझे ट्रांसपोर्टेशन राइट फ्रॉम इंडिया से जर्मनी की फ्लाइट टिकट्स, यहाँ पे अपार्टमेंट सर्च करने के लिए भी ब्रोकरेज, रिलोकेशन के लिए उन्होंने कंप्लीट पैकेज दिया. और फिर उन्होंने फॉर वीज़ा एंड इमिग्रेशन के लिए भी उन्होंने एक रिलोकेशन एजेंट हायर किया था जिसने मेरी वीज़ा के लिए राइट फ्रॉम कि कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है और कितने टाइम फ्रेम में इंडिया में क्या करना, प्रोसेस क्या करना रहेगा, प्रोसेस मैप दिया था मुझे पूरा इंडिया में के लिए भी और यहाँ पे व्हेन आई लैंडेड हियर यहाँ पे भी, सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए और ब्लू कार्ड एप्लीकेशन के लिए सारा कुछ कंपनी ने सपोर्ट किया था रिलोकेशन के लिए. ओके तो ये बताओ कि तुम्हारा ऑफर लेटर कब आया तुम्हें और तुम जर्मनी में कब आए फिर? सो मेरा इंटरव्यू के बाद जब उन्होंने फाइनली यस बोल दिया मुझे, फिर आई थिंक उसके 2 हफ्ते बाद मुझे ऑफर लेटर आ गया था. फिर ऑफर लेटर आने के बाद ही मैंने अपने पेपर्स पुट किए थे मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में. फिर इसके बाद इनकी रिक्रूटमेंट इमिग्रेशन टीम ने मुझे रीच आउट किया फॉर वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ के लिए, उन्होंने वीज़ा कैटेगरी फॉर्म एप्लीकेशन वो सब में हेल्प किया. फिर मैंने वो एम्बेसी में वो अपॉइंटमेंट के लिए VFS में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया. फिर लकली आई गॉट आफ्टर 1 वीक एंड फिर वीज़ा अप्लीकेशन प्रोसेस में आई थिंक आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट इट टुक अराउंड 4 वीक्स एंड देन आई थिंक मिड ऑफ जुलाई में आई लैंडेड हियर. अभिषेक ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गए, कैसा लग रहा है जर्मनी में आगे? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब शुरू में आया था तो ऐसा लग रहा था चारों तरफ सब कुछ जर्मन में लिखा हुआ था. बहुत सरप्राइजिंग लग रहा था कि ओके एवरीथिंग इन जर्मन, सो आई यूज टू ओपन माई फोन एवरी टाइम ओके व्हाट इज देयर, गूगल ट्रांसलेट कर करके मैंने सब मूव किया था. लकली मेरे दो दोस्त आ गए थे सपोर्ट करने के लिए इनिशियली. सो जब उस टाइम में आया था वो समर्स का सीजन था, समर्स ऑलमोस्ट एंड वो 9 यूरो का टिकट था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उस टाइम में. चारों तरफ समर की पार्टीज चल रही थी, यहाँ पे भी जब भी हम यहाँ पे हैं यहाँ पे भी वो फ्रैंकफर्ट पे फूड फेस्टिवल्स चल रहे थे और बहुत उस टाइम में काफ़ी हैपनिंग इन्वायरमेंट था समर में. एंड विद द हेल्प ऑफ 9 यूरो टिकट मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर भी किया हियर अराउंड. सो फार बहुत अच्छा लग रहा था, बट राइट नाउ एक दूसरी चीज़ ये भी हो रही थी कि एक सेंस ऑफ लोनलीनेस भी लग रहा था कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम लिविंग अब्रॉड एंड दैट टू अलोन ऑल टुगेदर न्यू कंट्री न्यू लैंग्वेज और जहाँ पर मैं बहुत लोगों को जानता भी नहीं हूँ. सो काफ़ी मिक्स फीलिंग थी, बट राइट नाउ धीरे धीरे अभी 3.5-4 महीने हो गए हैं तो दोस्त बन गए हैं कुछ, अच्छा लग रहा है. और अभी तो विंटर्स आ गई हैं तो क्रिसमस मार्केट्स एंड एवरीथिंग जो वीडियोस में देखा है हमने, तो अब वो एक्सपीरियंस करने का टाइम आ गया है. वेरी नाइस अभिषेक, तुमने ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, आई एम डेफिनेटली श्योर लोगों को ये बड़ी हेल्पफुल होगी. बट सबको ये भी सवाल होगा कि वो कौन सी कंपनी है जिसके थ्रू तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, यू हैव कम हियर टू जर्मनी, इफ यू वुड लाइक टू शेयर. आई कैन से ओनली इट इज़ वन ऑफ द बिग फोर कंसल्टिंग फर्म्स. अच्छा, बिग फोर मतलब
इट कैन बी केपीएमजी या फिर पीडब्ल्यूसी या फिर ईवाई या फिर डेलॉइट. ओके, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन. आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो आपको भी इसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मिल जाएगी एंड यू वुड बी ऑल्सो यूजिंग इट इन योर प्रोसेस. सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया पे. एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, ऑफ वी डज़ इन, बाय.